हमारा साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट सौरभ जी और आदेश जी है। इनसे हम जानेंगे कि मनीष कश्यप को बेल तो मिल गया है, लेकिन कल शाम को मनीष कश्यप पटना के बेऊर जेल से रिहा होने वाले हैं। लेकिन पटना के बेऊर जेल से वो कैसे रिहा होंगे, वो प्रक्रिया क्या है, जिस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जो है पटना बेऊर जेल के अधिकारी मनीष कश्यप को रिहा करने वाले हैं, कहीं कोई अड़चन तो नहीं आने वाली है या कहीं कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है या कल भी उनकी रिहाई पर कोई बाधा तो नहीं बनने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन यह कंफर्म है कि कल शाम को मनीष कश्यप रिहा होने वाले हैं, जिसकी खुशियां मनाने के लिए पूरा बिहारवासी तैयार है। सौरभ जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे इंडियन टाइम्स जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इंडियन टाइम्स। थैंक यू। पहला सवाल यह है कि मनीष कश्यप कल ही निकल रहे हैं? हाँ, ज्यादा चांस यही है कि कल शाम तक वो बाहर आ जाएंगे। हाँ, कल निकल रहे हैं? बिल्कुल कंफर्म बताएगा, क्योंकि दर्शक ललायत है मनीष कश्यप को। बिल्कुल, कल सभी लोग मनीष जी का जो दर्शन के अभिलाषी हैं, सभी लोग को दर्शन उनका मिल जाएगा। सही बात है ना? सही बात है कि नहीं? सही बात। 100% 200% 200% परसेंट मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों के चेहरे की खुशी जो अब जाहिर कर रहा है, अब आप समझ सकते हैं वकील लोग इतना खुश है तो आप लोग कितना खुश है, यूं समझिए मनीष कश्यप निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मनीष कश्यप कैसे निकल रहे हैं, वो प्रोसीजर क्या है जिसको फॉलो करके जो है उनको जेल से बाहर भेजा जाएगा? देखिए, जो जनरल प्रोसीजर चलता है उसी प्रोसीजर के तहत वो बाहर निकलेंगे। जैसे बेल बॉन्ड कल भराएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलीज का ऑर्डर जाएगा वहाँ तक, और भी जहाँ भी केस था वहाँ से रिलीज ऑर्डर जब जाएगा वहाँ पे, उसके बाद वो पूर्णतः रूप से कल बाहर निकलेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे तो जेल के बाहर जो पटना बेऊर जेल है वहाँ पे हजारों की भीड़ लगने वाली है। देखिए, इसके लिए आज से ही सुरक्षा का काफ़ी चाक चौबंद जो व्यवस्था है बहुत ही टाइट रखा गया होगा। ये तो है कि अगर वो कल निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उस एरिया में भीड़ रहेगा। बिल्कुल, तो उनके सुरक्षा को मद्देनज़र में प्रशासन जो है व्यवस्था की होगी, और काफ़ी ये सराहनीय कहिए या फिर इसको काफ़ी बड़ा बात कहिए कि इतने सारे लोग को जब मैं देख रहा हूँ, कहाँ कहाँ से लोग आकर के पटना में रुके हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो अलग ही माहौल होगा। क्या लग रहा है, जब मनीष कश्यप रिहा होंगे तो जो अधिकारी होंगे उनको क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जिसको जिस पे साइन करने के बाद जो है प्रोसीजर फॉलो करके अधिकारी जो है जेल के अधिकारी वो रिहा करेंगे? कोर्ट से रिलीज का ऑर्डर जाता है, रिलीज का ऑर्डर जाएगा उसके बाद ही वो लोग छोड़ेंगे। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कल लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि जेल के पास ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें और उग्र ना होए। जिनसे जिनको भी उनसे मिलना होगा वो उनसे बाद में मिल सकते हैं, लेकिन जेल के पास मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे जाने से लोग बचें। एक और चीज़ है बहुत बड़ा जो है दर्शकों को जानना ये है कि मनीष कश्यप को जो है बेल मिला है, क्लीन चिट नहीं मिला है, मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं तो उनको किन चीज़ों पर जो है अहमियत रखना होगा, कौन से कार्य नहीं करने हैं जिसको देखते हुए उनको फिर से जो है जेल में ना जाना पड़े? देखिए, किसी को भी अगर बेल मिलता है तो सबसे मुख्य चीज़ होता है कि उनको देश छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना है। तो मतलब वो देश से बाहर अभी नहीं जा सकते हैं जब तक सारे केस ख़त्म ना हो जाएं बिहार में और तमिलनाडु में जहां भी है। दूसरा चीज़ ये कि कोर्ट जब जब बुलाएगी उनको अपीयर होना पड़ेगा, फिजिकली जब उनको बुलाएगी। तो बाकी हर डेट पर नहीं जाना होता है, कुछ डेट पर एडवोकेट अपीयर होते हैं, लेकिन जब कोर्ट बुलाएगी उनको अपीयर होना ही पड़ेगा। हाँ, क्या लग रहा है आदेश जी, मनीष कश्यप का बहुत सारे मामले तमिलनाडु में है, NSA भी लगा हुआ है, तो अगर तमिलनाडु से उनको बुलाया जाए तो वहाँ उनको जाना होगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर बेल होता है इसका मतलब आप जैसे क्लीन चिट की बात किए थे, तो बेल किसी का क्लीन चिट नहीं होता है। जब तक आप किसी भी केस को होने के बाद उसके फाइनल हियरिंग और फाइनल तक जाने के लिए ट्रायल का प्रोसीजर, जो ट्रायल होता है CRPC में दिया हुआ है, वो ट्रायल को फेस करना होता है। वो ट्रायल में ही लास्ट में सारे जितने भी गवाह हैं उनको एग्जामिन करने के बाद से उसमें उनको एक्यूटल या कन्विक्शन किया जाता है। अगर निर्दोष हैं, गवाह उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, अगर जो सच्चाई है उस बात को रखते हैं, तो उनको क्लीन चिट मिलेगी। हाँ, उसे कहते हैं एक्यूटल कर दी जाएगी। अगर उनके खिलाफ अगर सबूत मिलती है, ट्रायल शुरू हो जाती है, तो कन्विक्शन होगी। तो क्लीन चिट एक्यूटल होने के बाद ही मिलती।
सौरभ जी आपसे जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप तो रिहा हो गया है और किन किन चीज़ों से जो उनको बचना पड़ेगा, हिदायत रखनी पड़ेगी। देखिए जब तक केस चलेगा तब तक जैसे कुछ बाउंडेशंस होते हैं कि सबूत को ना मिटाना, गवाह को ना धमकाना, तो ये सब नियम कानून होता है जिससे उनको बचना पड़ेगा। और उसके बाद एक और मैं ऑप्शन बताना चाहूँगा कि अगर इस केस को ख़त्म करना है तो हाईकोर्ट के पास पावर है, हाईकोर्ट में जाना। हाँ, सेक्शन 482 के तहत वो इस केस को क्वेश्चन करा सकते हैं जो झूठा FIR हो। लेकिन सौरभ जी चलते चलते एक सबसे बड़ा जो है सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर मनीष कश्यप रिहा हो रहा है और लगे कि हाँ उन पर जो FIR दर्ज था, जो मामलाएँ थी वो फल्स है और वो निर्दोष है, तो क्या वो उल्टा क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, जब जैसे मान लीजिए कि वो क्वेश्चन फाइल करेंगे और उनके फेवर में आ जाएगा ऑर्डर कि हाँ ठीक है ये झूठा केस हुआ था और क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर उन पर केस किया है और वो उसमें अगर क्वेश्चन हो जाता है तो सामने वाले पार्टी से वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, डिफेमेशन का केस कर सकते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं, काफ़ी उनकी छवि को धूमिल किया गया है इस केस के वजह से हुआ है, NSA लगा लोग उनको देशद्रोह बोले, तो उसके लिए दोनों ऑप्शन उनके पास बचा है। सिविल में वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं और क्रिमिनल में उन पर डिफेमेशन भी केस कर सकते हैं।